सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए एक और रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी देवी देवता या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारी वीडियो के माध्यम से बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए चारों धाम में से एक यमुनोत्री धाम मंदिर से जुड़ी कथा व रोचक जानकारी को लेकर आई हूँ, जिसमें मृत्यु के देवता यमराज खुद विराजते हैं अपनी बहन यमुना के साथ। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की इस जानकारी की ओर। हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों की कोई ना कोई विशेषता होती है जिस कारण लोग इन्हें जानना चाहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मंदिर को माता यमुनोत्री का मंदिर इस नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्य देव की पुत्री हैं और धर्मराज यमराज की छोटी बहन। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यम अपनी छोटी बहन यमुना के साथ विराजमान हैं। इतिहासकारों के अनुसार यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने कराया था। हालांकि इस धाम का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया। यह स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कालिंद पर्वत पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में यमुना देवी की काले संगमरमर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित रूप से स्थापित है। यमुनोत्री धाम का मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इन्हीं चारों धामों में से एक धाम यमुनोत्री मंदिर भी कहलाता है। यमुनोत्री मंदिर से ही यमुना नदी का उद्गम हुआ माना जाता है। बताया जाता है कि इसके पास ही दो पवित्र कुंड भी हैं, जिसे सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य कुंड का जल उच्चतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कपड़े की पोटली में चावल सूर्य कुंड के जल में पकाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही दिव्य शिलाखंड स्थित है, इसे ज्योति शिला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद यमुनोत्री आने वाले तीर्थ यात्रियों की थकान पल भर में दूर हो जाती है और इस तरह यमुनोत्री की यात्रा कर वो माता यमुना का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और साथ ही उनके भाई यमराज का आशीर्वाद भी उन पे सदैव बना रहता है और चारों धाम में से एक धाम की यात्रा भी पूर्ण मानी जाती है। इसीलिए सभी धामों में और सभी मंदिरों में यमुनोत्री मंदिर का अपना ही अधिक व अलग महत्व बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।